तो सर काम कैसा हाथ लगा आप दे सकते तो भाई आज सर तो इनकी गाड़ी वापस से डिलीवर की जा रही है सर इसे मिट्टी लेके जाएंगे तो सर थैंक यू सो मच आप आए हमारे पास में तो भाई वीडियो बने रहिए फुल इसका अभी वीडियो आपको भाई डेली दोस्तों जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये है हमारी 2013 मॉडल महेंद्रा बुलेरो जेड एल एक्स और भाई इस गाड़ी को मॉडिफाई करने के बाद में आप इसका लुक आप यहां पर देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर पूरा बॉडी पेंट किया गया है डेंटिंग पेंटिंग की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर डी आर एल वाले हेडलैम्स ओरिजिनल नए वाले यहाँ पर डाले हैं जिसमें हेडलाइट्स के अंदर एल का इस्तेमाल भी किया गया है इंडिकेटर्स भी इसके अंदर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई ये अल्फा एलईडी ग्रिल जो कि ब्लैक कलर का है जिसमें व्हाइट कलर का लेटर आपको एलईडी में दिया गया है व्हाइट कलर का लाइट इसमें आपको ऑन करने पर मिलता है ये जो बम्पर है इसे पूरा चेंज किया गया है बम्पर चेंज करने के बाद में इस पे ऊपर में एबीएस गार्ड डाला गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है फॉग लैम जो कि ब्लू कलर के डीआरएल के साथ में आपको देखने को मिलेगा एम एस फोर्टीन ये हमारी गाड़ी जो कि पुणे से आई हुई है और यहाँ पर फ्रंट लुक अप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है तो जो हमारा तेरह मॉडल था उसका फ्रंट पोर्सन पूरा ही चेंज करके यहाँ पर न्यू लुक दिया गया है आप इस ईवीएस गार्ड की फिटमेंट देख सकते हैं एकदम प्रॉपर है बम्पर से चिपक के ये लगा हुआ है और फ्रंट साइड से बहुत ही प्रीमियम लुक देता है तो ये पूरा जो बम्पर है इसे हम लोगों ने चेंज किया है और यहाँ पर नया डाला है गाड़ी का लुक फ्रंट लुक जो है बहुत ही मस्कुलर लगेगा आपको इसके अलावा हम लोग बात करें भाई तो यहाँ पर बोनट पे भी डी डाले गए हैं अभी वीडियो में बने रही है इसका जो लाइटिंग वर्क है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा यहाँ पर आप जो देख सकते हैं यहाँ पर बोनट डी डाले गए हैं जो कि मल्टी कलर के हैं इसमें एक रिमोट आपको मिल जाता है जिसमें कलर को आप चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बोनट स्कूप डाला गया है काफ़ी ब्रॉड है और इससे जो फ्रंट लुक आता है गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है गाड़ी आप देख सकते हैं पूरा फुल बॉडी पेंट यहाँ पर किया गया है जिसमें डेंटिंग पेंटिंग था गाड़ी के अंदर जो सड़न थी जो जंग लगा हुआ था उसे पूरा का पूरा निकाल कर पूरा वर्क करके फिर गाड़ी को पेंट किया गया है अभी आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल जिसमें बॉडी ग्राफिक्स डला हुआ है हमारे एलोये भी डले हुए हैं और यहाँ देखेंगे तो ये जो ग्लास है इसकी जो रबड़ है ना ये सड़ चुकी थी अंदर में भी जंक वगैरह लग गया था तो इसको भी निकाल कर नया डाला गया है और यहाँ पर भी पूरा ट्रीटमेंट किया गया है जिससे आपकी गाड़ी अब आप प्रोटेक्ट हो जाए और ऊपर में यहाँ देखेंगे तो ये हमर लाइट लगाई गई है ड्रिल करके लगाई गई है तो वायरिंग्स वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगी अंदर से वायरिंग्स डाली गई है सेट ऑफ फाइव पीस है ये हमर लाइट येलो कलर का लाइट इसका आउटपुट में आपको मिलता है और इससे गाड़ी है ना फ्रंट लुक इसका और भी बेहतर हो जाता है तो आप यहाँ पर इसको देख पाएंगे साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में भी आपको पूरा बॉडी पेंट देखने को मिलेगा ओल्ड वाला ग्राफिक्स यहाँ पर डाला गया है इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ का साइड मिरर आप देख सकते हैं इंडिकेटर वाला साइड मिरर यहाँ डाला गया है वाइट कलर का इसमें बॉडी डला हुआ है और यहाँ ये यह जो है इसे विलाज कहा जाता है और ये हमारा जो गाड़ी का था बहुत ही ज़्यादा सड़ चुका था तो इसे रिप्लेस करके यहाँ पर लगाया गया है ये वी इलाज काफ़ी ब्रॉड होते हैं बाहर निकल कर आते हैं यहाँ पर लोगों भी आपको मिल जाएगा और यहाँ आप देखेंगे इसमें अलॉय व्हील्स भी डाले गए हैं तो भाई ये जो अलॉय व्हील है पंद्रह इंच के है न्यू कंपनी के है ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन डायमंड कट में है बैक साइड में ऑरेंज कलर का पेंट वर्क किया गया जो है जो 215 75, R15 ये जो ट्यूबलेस टायर है इसी के अंदर अलॉय व्हील्स डाले तो टायर्स वगैरह अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं है कि ये जो अलॉय व्हील्स है यहाँ देखिए ये जो हमारा व्हीला आच्छे इससे दो इंच आपको बाहर निकलते हुए मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स डलने के बाद में तो गाड़ी का जो लुक आता है ना काफी बढ़िया लगने लगता है ये अलॉय व्हील्स धलने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सेट ऑफ फाइव पीस अलॉय व्हील का सेट यहाँ पर डाला है जो कि न्यू व्हील्स कंपनी के हैं गाड़ी यहां आप देखेंगे तो इसमें एक्सटीरियर में आपको सारी एसरीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ पर इंस्टॉल की गई है यहाँ आप देखेंगे वेंटिलेटर क्रोम बुलेरो की बैजिंग भी नहीं डाली गई है डोर हैंडल क्रोम ये लोअर गार्निश डाला गया है ये साइड क्लैडिंग और यहाँ देखेंगे तो ये जो है बॉडी ग्राफिक्स जो कि ओरिजिनल महेंद्रा का है और ये ग्राफिक्स ये यह भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है तो भाई ये जो गाड़ी है भाई हमारे पास में एक महीने से थी और उसको बनाने में एक महीने का टाइम लगा हमें और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर ये यह आपका डोर वाइजर है ब्लैक कलर का यहाँ इंस्टॉल किया गया है ऊपर में रूफ रेल व्हाइट कलर के डाले गए हैं यहाँ ऊपर देखेंगे रूफ़ रेल और भाई ऊपर का रूफ भी पूरा फुल्ली पेंट किया गया है तो भाई इस गाड़ी के जो पहला पार्ट है दूसरा तीसरा चौथा से चार पार्ट मैंने अपलोड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी और किस तरीके से बनी है चलिए यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये फुट स्टैप है ये पहले से गाड़ी में लगा हुआ था इसे चेंज नहीं किया हम ने कस्टमर ने हमें चेंज करने के लिए मना किया था और यहाँ पर ये देखिए यह ये पूरा का पूरा क्लैडिंग्स और जो व्हील आज प्रॉपर आपको देखने को मिले फिटमेंट के साथ में बैक वाले साइड में भी देखिए ऑरेंज कलर का पेंट पीछे किया गया जिससे जब व्हील्स चलते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो ये हमारे व्हीलाच बैक साइड में भी लगे हैं पूरे चारों व्हील्स पे ये व्हीलाच लगाए गए हैं ब्रॉड वाले वाइट कलर का पेंट इसमें किया है जिससे गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगती है बैक प्रोफाइल की हम लोग बात करें तो बैक प्रोफाइल में भी आप देखेंगे पीछे में यहाँ पर डाला गया है भाई आपका अलॉय व्हील स्टेपनी जो है इसमें अलॉय व्हील की दी गई है न्यू व्हील्स का यहाँ पर आपको बढ़िया सा लुक देखने को मिलेगा पीछे में इसमें आपके स्पॉयलर डाले गए हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी टेल लैम्प डाले गए हैं टर्बो की बैजिंग यहाँ पर पीछे लगाई गई है और यहाँ पर हमारे जो टेल लैम्प्स है ओरिजिनल जो अभी बी सिक्स में आ रहे लगे हुए वो है इसमें फ्लैशर लाइट वगैरह भी डाले गए हैं तो जब भी आप ब्रेक दबाते हैं तो काफ़ी बढ़िया लुक मिलता है नीचे में ये स्टील गार्ड फाइव पोल वाला यहाँ पर डाला गया है रियर साइड के बम्पर की प्रोटेक्शन के लिए पीछे का जो बम्पर है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो उसको भी पेंट वगैरह किया डेंटिंग पेंटिंग किया गया स्टील वाला फ़ोटो स्टेप डला हुआ है और यहाँ पर बीच में कैमरा का ऑप्शन दिया गया है तो जो इन्फर्टेनमेंट सिस्टम लगा है उससे आपको व्यू देखने को मिलेगा तो ये सारा काम भाई बैक प्रोफाइल में मिलेगा काफ़ी बढ़िया नंबर प्लेट है और बीच बगल में आप देखें एग्जॉस्ट भी लगाया गया है एग्जॉस्ट पाइप जो है लुक के लिए लगाया गया है तो ये ओवरऑल हमारा बैक प्रोफाइल है जिसमें आप देख पाएंगे ये जो रबड़े हैं यहाँ पर क्लास की ये भी सड़ चुकी थी तो ये भी नया लगाया है अब बैक प्रोफाइल देखने के बाद में आप यहाँ साइड प्रोफाइल में फिर से आ जाइए तो ये वीलाज बॉडी ग्राफिक्स और जो क्रोम किट है वो सब डली हुई है विंडो पे भी हम लोगों ने यहाँ पर फिल्म का इस्तेमाल किया गया जिससे गाड़ी और अट्रैक्टिव लगती है साइड क्लैडिंग भी यहाँ पर नहीं डाली गई है तो ओवरऑल ये जो गाड़ी है इसका फुल मॉडिफिकेशन होने के बाद में लुक आप यहाँ पर, पर देख आप देखेंगे ये है फेंडर मिरर बोनेट मिरर भी ऐसा कहा जाता है वाइट कलर का यहाँ पर लगाया गया है तो ये हमारी गाड़ी है भाई एक्सटीरियर लुक में जो कि मॉडिफाई होने के बाद में कुछ इस तरीके से लुक आपको देखने को मिलेगी गाड़ी का जो एक्सटीरियर पार्ट है अब फुल्ली मस्कुलर लुक के साथ में यहाँ पर हो गया है चलिए अब जिस तरीके से इसका एक्सटीरियर लुक यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है उसी तरीके से इसका इंटीरियर में भी बहुत बढ़िया काम किया गया है इंटीरियर को भी इसको बहुत लग्जरियस लुक में बनाया गया है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो रबड़े हैं भाई इसे यहाँ पर चेंज की गई है ये रबड़ गोला से कहा जाता है पूरे विंडो पे इसका चेंज किया गया है तो आपको मैं फिर से बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए डोर ओपन कीजिए और यहाँ देखिए तो ये जो रबड़े हैं इससे चेंज की गई है इसमें काफी ज़्यादा सडन वगैरह पहले आ गई थी तो पूरा चेंज किया गया यहाँ भी आप देखेंगे रबड़े चेंज की गई है रबड़ गोला से कहा जाता है पूरे डोर की रबड़े को चेंज किया गया है यहाँ पे ये यह दिख पाएंगे इसके अलावा यहाँ देखेंगे जो ये जो डोर पैनल है इसको भी मॉडिफाई किया गया है डोर टोन कलर का इंटीरियर रखा गया है और हर डोर के पास में पावर विंडो के लिए बटन दी गई है यहाँ पर चेंज के स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टैन और चॉकलेट कलर का इंटीरियर थीम इसमें रखा गया है भाई जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे गाड़ी के ड्राइवर साइड वाले डोर की बात करें तो यहाँ पर पा भी पावर विंडो की फोर डोर्स का फोर बटन का यहाँ पर कस्टमाइजेशन किया गया है पहले ये बटने डोर हैंडल ब्रेक के पास में थी इसे यहाँ पर डोर के पास में ले आए हम लोग और चेंज के स्पीकर यहाँ पर डाले गए गाड़ी का जो डैशबोर्ड है टैन कलर में आपको देखने को मिलेगा फुल्ली पेंट किया गया है टैन एंड चॉकलेट कलर में इसका डैशबोर्ड और यहाँ पर नौ इंच का डिस्प्ले भी लगाया गया है जो कि एंड्रॉयड डिस्प्ले है गाड़ी के अंदर इन्फरटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो चार स्पीकर लगाए हैं फ्रंट साइड में दो स्पीकर है छः इंच के और बैक साइड में नौ इंच के दो स्पीकर है तो जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो भी आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा गियर नॉप आप देखिए तो यहाँ पर लेदर वर्क किया गया है गियर नॉप भी यहाँ पर चेंज किया गया है ये जो कंसोल है चॉकलेट कलर का पेंट किया गया है इसके अलावा ये वुडन आर्मरे थे इंटीरियर मैचिंग ब्लैक एंड टेन यहाँ आप देखेंगे तो ये जो कवर्स हैं गाड़ी के जो सीटें आती है वो फ्लैट आती है तो उसके अंदर कुछ कुशनिंग करके इसको बकेट बनाया गया है आप देख पाएंगे और बकेट बनाने के बाद में इसके ऊपर फुल बकेट सीट कवर्स का इंस्टॉलेशन किया गया है तो इसमें अब आप आपको काफी कंफर्ट फील होने वाला है जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे गाड़ी यहां पर देखेंगे इसमें नेकलैस भी यहाँ पर लगाया गया है इंटीरियर मैचिंग है फुल इंटीरियर इसका हम लोगों ने ऊपर का आप देख पाएंगे जो कि ड्योल्टोन कलर में किया है चॉकलेट एंड टैन कॉम्बिनेशन का है फुल रूफ के अंदर लेदर वर्क किया गया है जिससे गाड़ी का लुक जो आता है बहुत ही क्लासी हो जाता है तो ये जो वर्क आप यहाँ चॉकलेट और टैन कलर में ये ऊपर का फुल जो रूफ है लेदर वैपिंग यहाँ पर की गई है जिसमें आपको एम्ब्रॉयडरी भी देखने को मिलेगी और इससे गाड़ी का जो इंटीरियर पार्ट है बहुत लग्जियस लुक के साथ में हो जाता है मिडिल रो की सीटें भी आपको फुल बकेट सीट कवर्स के साथ में मिलेगी इसके अंदर भी कुशनिंग की गई है जिससे आपको कंफर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा बैक साइड के जो पैसेंजर है उसके लिए यहाँ पर देखिए पावर विंडो इंडिविजुअल स्विच यहाँ पर दिया गया है जिससे पावर uh, विंडो जो ग्लासेस है अप डाउन इस तरीके से हो जाते हैं ये ऑप्शन पहले गाड़ी के अंदर नहीं था तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है जिसमें स्विचेस को यहाँ पर लगाया गया है ड्यूएल टोन कलर का यहाँ पर डोर पैनल आपको दिखेगा इसके अंदर लेदर वर्क किया गया है बैक साइड में भी देखिए तो बैक साइड में भी आपको सीटें के अंदर यहाँ पर पाउच का ऑप्शन दिया गया है ड्यल्टोन कलर जैसे मैंने आपको बताया पूरा थीम ड्यल्टोन पे कवर पे यहाँ पर लगाया गया है यहाँ आप देखेंगे तो बीच वाला जो आर्म रेस्ट है इसको भी फुल लैदर कवरिंग की गई है तो जो बकेट फिटमेंट है उसका सही इस्तेमाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो ये चीज़ भाई यहाँ पर लगा दी गई है इसके बैक प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो बैक प्रोफाइल भी इसका बहुत बढ़िया है डोर पैनल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लेदर डोर पैड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे डोल टोन कलर के यहाँ पर लगाए गए हैं और बैक जो सीटें इसमें भी आपको फुल बकेट सीट कवर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे लुकिंग वाइज बहुत ही बढ़िया है और इसका जो फिटमेंट होता है वो भी एकदम प्रॉपर होता है तो आप देखेंगे जिस तरीके की सीटें थी उस तरीके का फिटमेंट आपको मिलेगा नीचे में ही इंटीरियर से मैचिंग सेवेंटी मैट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ओवरऑल भाई जो इंटीरियर है इसका उस पे काफी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखकर कर इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और यहाँ से आप देखेंगे रूफ तो बहुत ही बढ़िया लुक आ जाता है इस रूफ रैपिंग के बाद में गाड़ी के इंटीरियर में लाइटिंग वर्क भी किया गया है तो नाइट में यदि आप गाड़ी को लेके जाते हैं तो इस गाड़ी का जो लाइटिंग वर्क है वो भी बहुत बेहतरीन है तो वीडियो में बने रही अभी मैं इसका लाइटिंग वर्क भी आपको बताता हूँ कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर में लाइटिंग्स लगाई गई है इसके अंदर वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी की लगाई गई है वो भी आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ बाकी आप इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर कर दिया गया तो भाई आपके पास में अभी ओल्ड वाली बुलाया रहे हैं उसको मॉडिफाई करवाना है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस इसी तरह आपकी गाड़ी को भी हम लोग मॉडिफ़ाई कर देंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो ऊपर का रूफ़ है यहाँ पर एकदम लग्जियस लुक के साथ में अब हो चुका है फुल इंटीरियर आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूल टोन कलर में यहाँ पर कर दिया गया है चलिए ये रबड़े भी यहाँ पर चेंज की गई जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी टाइम बाद में सड़ जाती है और इस गाड़ी के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो भाई वो भी चेंज किया गया है ये साइड वाला डोर पैनल आप और देख सकते हैं सेवन डी मैट जो कि मैंने बताई अभी इंस्टॉल होने वाली है और इसके अलावा भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अंदर में भी जो एल ई डीज़ है येलो कलर की होती है तो वाइट कलर की हम लोगों ने यहाँ पर कर दी है डैशबोर्ड आप देख सकते हैं डोल टोन कलर का है यहाँ पर और जो बीच में आमरेस डाला गया है वुडन से बना हुआ है मोबाइल पाउच का सपोर्ट है एक लीटर की वॉटल इस होल्डर में आप रख सकते हैं और बूट स्पेस भी दिया गया है इसके अंदर तो ये चीज़ भी यहाँ पर अब कर दिया गया है यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है सेवनडी मैट ये भी इंडिया से मैचिंग ही यहाँ पर रखी गई है सेवनडी मैट नीचे का जो इसका फ्लोर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था धूल मिट्टी और सड़न लग गई थी उसको रिपेयर करने के बाद में ये सेवनडी मैट यहाँ पर डाले गए हैं और लुक आप खुद ही देख सकते हैं कितना प्यारा है ये हमारा वुडन आर्म रेस है इस पर आर्म्स को आप होल्ड कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से और ये गाड़ी अब भाई हमारी जो कस्टमर है उन्हें डिलीवर करने के लिए रेडी हो चुकी है ये फ्लिपकी का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा और ये नेक रेस्ट आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया से मैचिंग ही नेक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है फुल बॉडी बकेट कवर्स यहाँ पर लगा दिए गए है तो इंटीरियर जो हमारा हो जाता है कंप्लीट इस गाड़ी का अब जो इम्पोर्टेंट रह गया है वो है इस गाड़ी का लाइटिंग वर्क और म्यूजिक सिस्टम तो वो भी मैं आपको बताता हूँ बीच वाले रो का भी यहाँ पर आप सेवनडी मैट देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है इसके अंदर भी एम्ब्रॉयडरी है तो ये जो है ना इंटीरियर से फुल मैचिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो ओवरऑल जो हमारा गाड़ी का इंटीरियर है इस मैटिंग को डालने के बाद में कंप्लीट हो जाता है और आप भी अपनी गाड़ी को उस तरीके से मॉडिफाई करवा सकते हैं जिससे आप देख सकते हैं लुक इसका एकदम लग्जरियस हो जाता है अब बात करता हूँ मैं आपको भाई इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पेंट यहाँ पर किया गया है और कवर्स आप लुक खुद ही देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया तो गाड़ी को बनाने में तीस से चालीस दिन लगता है भाई और गाड़ी बनने के बाद में लुक आप खुद ही देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया है तो आपके पास में दो हज़ार दस ग्यारह बारह तेरह चौदह जो भी मॉडल है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ आप देखेंगे स्टेयरिंग जो स्टेयरिंग व्हील जो है इसके ऊपर भी फुल लेदर कवर डाला गया है भाई आप इसको देख देख नहीं पाएंगे कि भाई इसके अंदर कवर डला हुआ है काफ़ी रिलैक्स फील होगा ड्राइविंग करते वक्त और ये जो कवर्स है ये जो सीटें हैं ये बहुत लग्जरियस टाइप की चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी के लाइटिंग वर्क की तो यहाँ आप देखेंगे फ्रंट में जो अल्फ़ा एलईडी ग्रिल डाली गई है जिसमें बुलेरो आपको देखने को मिलेगा व्हाइट कलर का लाइट है हेडलैम्प्स में एलईडी ई डाली गई है वाइट कलर की जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती है और यहाँ पर ये यह जो बुलैरो है नाइट में इसका जो लुक आता है बहुत ही बेहतरीन हो जाता है भाई तो ये बुलेरो लेटर की जो अल्फ़ा एलईडी ग्रिल इसे कहा जाता है यहाँ पर लगा दी गई है साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो फॉग लैम्प्स है वो भी वाइट कलर के एल के साथ में आते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो डी है ब्लू कलर के आपको देखने को मिलेंगे बोनट की जो लाइट है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर मल्टी कलर्स की लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है ये जो लाइटें हैं बोनट वाली ये रिमोट से ऑपरेट भी हो जाती है तो आप रिमोट से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं लाइटों को और यहाँ देखेंगे तो जो कलर निकल कर आता है इस बोनट डी का काफ़ी अट्रैक्टिव आता है तो इसे आप अपने थीम पर भी रख सकते हैं मल्टी कलर्स में भी रख सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं तो ये लाइटें यहाँ पर लगने के बाद में जो नाइट का लुक आता है इस गाड़ी का बहुत ही प्रीमियम क्लास का आपको देखने को मिल जाएगा तो ये लाइटें जो डी आर एल्स है यहाँ पर बोनट डी आर एल्स जिसे कहा जाता है और ये यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है हेडलैम्स जैसे कि मैं बताया हुआ न्यू मॉडल वाले डीआरएल आर एल वाले हेडलैप्स यहाँ पर डाले गए हैं फॉग लैम्प जो है वो भी एलईडी वाले जिसका फोकस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा तो आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो हाईवे पे ये काफ़ी बढ़िया फॉग लैम्प्स है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सारे एल इसमें लगे हुए हैं और इसका जो फोकस निकल कर आता है मेन रोड पर बहुत दूर तक जाता है तो मैं आपको बताता हुई हूँ यहाँ पर जो इसका फोकस है बहुत ही प्रीमियम क्लास का है और यहाँ देख सकते हैं कितना तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फॉग लैम्प्स है हाई क्वालिटी वाले हैं जिसमें एल का इस्तेमाल किया गया है और लुक बहुत ही प्रीमियम क्लास का है हेडलैम्स भी इसके अंदर भी हेड लैम्प्स के अंदर में भी एल ई डाली गई हैं वाइट कलर की जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे तो दोनों ही फ्रंट फॉग लैम्प्स हेड लैम्प्स आपको वाइट कलर के मिल जाएंगे यहाँ पर फ्लैशर का इस्तेमाल किया गया है बैक साइड के जो टेल लैम्प है वही टेल लैम्प है और यहाँ पर टाला गया है इसे लुकिंग वाइज बहुत ही ये बढ़िया लगता है इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इंटीरियर के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर भी रेड कलर का एलईडी वर्क किया गया है तो जो पावर विंडो की बटन है उसको ऑपरेट करने में आपको आसानी होगी और बढ़िया भी लगता है ये तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पावर विंडो बटन है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है एल भी इसमें रेड कलर की सभी डोस में डाली गई है और ड्यूल ट्वेंट का इंटीरियर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साथ ही साथ गाड़ी के अंदर की बात करें हम लोग तो यहाँ पर चेंज का स्पीकर्स यहाँ पर प्रॉपरली दिया है ओल वाली गाड़ी में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती है तो कस्टमाइज इसको किया गया है डोर पैनल को जिससे आपको एक बढ़िया लुक और कंफर्ट देखने को मिले अभी यहाँ पर बात करेंगे तो नीचे में ये जो है अभी हमारा नीचे में अटमॉस्फियर लाइट का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफी बढ़िया रहती है मल्टी कलर्स में आपको मिलती है तो ये देखिएगा यहाँ पर एटमोसफियर लाइट यहाँ पर लगाई गई है फ्रंट साइड में बैक साइड में तो नाइट में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बढ़िया म्यूजिक सुनते हुए लाइट को अभी ऑन कर सकते हैं बैक साइड में भी आपको डहलना एटमोसफेयर लाइट का यूज़ होता हुआ मिल जाएगा तो ये लाइटिंग वर्क है जो कि आपने अंदर इंटीरियर में देखा इसके रूफ पर येलो कलर का लाइट था तो उसके रूफ लाइट को भी हम लोग ने चेंज करके एल ई वहाँ पर डाल दी है वाइट कलर की तो वो भी आपको प्रीमियम क्लास की देखने को मिलेगी अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर नाइन इंच का फुल टच एंड्रॉइड सिस्टम डाला है टू प्लस थर्टी टू जी बी वेरियंट है रिवर्स पार्किंग कैमरा जो पीछे में अटैच किया गया है उसके साथ में इसका कनेक्शन दिया गया है बैक साइड का आप व्यू और देख लीजिए नीचे में जो एटमोसफियर लाइट है वह प्रीमियम क्लास के हैं ऊपर का जो रूफ़ आप यहाँ पर देख रहे हैं नाइट में और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और रूफ एलईडी जो मैंने बताया था यहाँ पर वाइट कलर की एल ई यहाँ पर डाली गई है रूफ़ में जो कि येलो थी उसको वाइट कर दिया गया है बीच में आप देखेंगे जो एटमोसफियर लाइट है प्रीमियम क्लास के हैं मल्टी कलर्स में ये ऑपरेट होते हैं और इसके साथ भी एक रिमोट आपको मिल जाता है तो रिमोट से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं म्यूजिक बीट पे भी ये चल जाते हैं और सभी डोर पैनल पे मैंने जैसे कि बताया रेड कलर के एल ईडीज यहाँ पर डाले गए हैं जिससे गाड़ी का जो इंटीरियर लुक है वो और मस्कुलर हो जाता है दिखने में और बढ़िया लगता है अब एंड्रॉयड सिस्टम की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैप्टू टच स्क्रीन के साथ में ये टू प्लस का एंड्रॉयड डिस्प्ले है कैप टू पैनल है वन जीरो एट जीरो पी का फुल रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है इसके अंदर आप हाई क्वालिटी के वीडियोस वगैरह प्ले कर सकते हैं इक्वलाइजर भी इसका काफ़ी शानदार है जो कि साउंड आउटपुट के लिए बहुत बढ़िया होता है और साथ ही साथ इस गाड़ी के सारी एप्लीकेशन जो है इसके अंदर पहले से प्री अपलोडेड है आप इसके अब आउटस में जाके मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखिए टू प्लस थर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इंटरनल मेमोरी इसकी जो है थर्टी टू है और जो चार स्पीकर उसके साथ में कनेक्शन दिया गया है रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ कनेक्शन दिया है रेडियो एंटीना के साथ में इसका कनेक्शन दिया गया है फाइल मैनेजर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना है और इंटरनेट कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं और जी के थ्रू यहाँ पर आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर पाएंगे इसके अंदर हॉट डला हुआ है नेटफ्लिक्स वगैरह सब डला है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं एफ़ एम रेडियो प्रीलोडेड है तो एफ एम रेडियो भी आप इसके अंदर चला सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसका वीडियो चला के दिखाऊँ वीडियो की क्वालिटी दिखाऊँ तो फुल हाई रिजोल्यूशन वीडियो आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं तो ये एक सैम्पल वीडियो है जो कि आप यहाँ पर पा देख पाएंगे ये आप चाहे तो यूट्यूब से फुल एच क्वालिटी की जो मूवीज़ वगैरह होती है वीडियोज़ होते हैं वो ऑनलाइन इसमें देख सकते हैं आप चाहे तो पेन ड्राइव भी लगाने का ऑप्शन है तो पेन ड्राइव के अंदर मूवीज़ सॉन्ग्स वगैरह डाल के वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है तो आपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने पे आप इसके अंदर सॉन्ग्स वगैरह भी प्ले कर सकते हैं तो ऑलराउंडर ये काफ़ी बढ़िया टच स्क्रीन है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है यूट्यूब आप यहाँ पर देख पाएंगे यूट्यूब भी यहाँ पर ऑन हो जाता है जिस तरीके से आप अपना एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन चलाते सेम एज़ इट इज़ वैसे ही ये वर्क करता है एक बार आपको लॉग करना रहता है दैन उसके बाद में ये वर्क करने लगता है स्टेरिंग कंट्रोल बटन यदि हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर उसका ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा म्यूजिक प्लेयर भी इसके अंदर प्रीलोडेड है तो म्यूजिक को भी आप सुन सकते हैं पेन ड्राइव लगा के या ब्लूटूथ लगा कनेक्टिविटी uh, करने के बाद में तो सारी चीज़ें आपको इस डिस्प्ले के अंदर मिल जाती है और एक साल की वारंटी भी आपको मिल जाती है तो एक बढ़िया सा टच स्क्रीन इस बुलेरो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू भी आपको मिल जाता है जब आप रिवर्स गेयर डालते हैं तो ओवरऑल ये जो टच स्क्रीन है काफ़ी बढ़िया लुक के साथ में आपको मिल जाता है तो भाई इस तरीके से हमारी जो बुलेरो है आज कंप्लीट होती है और इसे आज हम डिलीवर कर रहे हैं हमारे पुणे के जो कस्टमर हैं उन्हें और ये लुक आपको भी अपनी गाड़ी का करना है तो कर सकते हैं ये हमारा पहला पार्ट था ये सेकेंड पार्ट जिसमें गाड़ी का टेंटिंग पेंटिंग वर्क हुआ इसके अभी थर्ड पार्ट है इंटीरियर वर्क के बारे में बताया गया है और ये फोर्थ पार्ट थे तो ये चारों पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ये जब हमारे पास कस्टमर आए थे गाड़ी लेकर और जब कस्टमर गाड़ी ले गए हैं ये बिफ़ोर आफ्टर व्यू बिफोर व्यू इस गाड़ी का आप देख सकते हैं कितना कैसा ख़राब सा था और ये आफ्टर व्यू आप देख सकते हैं गाड़ी का बनने के बाद में साइड मिरर इसके कुछ इस तरीके से थे और अब साइड मिरर यहाँ पर इंडिकेटर्स वाले हो गए इसके अलावा साइड प्रोफाइल आप देखेंगे जंक् वगैरह लगा हुआ पूरी गाड़ी के अंदर लेकिन अब देखिए गाड़ी एकदम कन्वर्ट हो गई है फ्रंट लुक आप देखेंगे इसका बोनट का और ये फ्रंट लुक का बोनट का आप यहाँ पर चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो बिफोर आफ्टर व्यू आप देख रहे हैं बिफोर और ये आफ्टर तो पूरी जो गाड़ी पहले जो थी उसको चेंज कर दिया देखिए पूरा हेडलाइट टेल टेडल सड़ा हुआ था यहाँ पर और यहाँ चेंज होने के बाद में लुक एकदम टोटली डिफरेंट हो गया बैक प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं इसका और बैक प्रोफाइल यहाँ पर स्टैपनी के साथ में एकदम बढ़िया मैं बता रहा था ये व्हील आर्च खराब हो चुका था और अभी हमारा नया मस्कुलर व्हीलाच यहाँ पर डला हुआ है इंटीरियर आप देखेंगे फ्लैट सीटें थी और अब इसको बकेट सीट कवर्स में यहाँ पर लगा दिया डैशबोर्ड देखिए कंपनी का पेंट इसमें था अब हमारा इंटीरियर मैचिंग जो है यहाँ पर डैशबोर्ड वो आपको देखने को मिलेंगे ये डोर पैनल आप देखेंगे सिंपल थे अब यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स के साथ में कर दिया गया है रूफ़ देखिए सिंपल था और अब रूफ़ देखेंगे तो फुल एम्ब्रॉयडरी वाला रूफ़ यहाँ पर डालेगा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं नॉर्मल अब डैशबोर्ड आप देख सकते हैं चेंज इसके अंदर स्टील व्हील लगे हुए थे तो अभी हम लोग ने चेंज करके यहाँ पर एलोवीस यहाँ पर डाल दिए गए हैं तो भाई ये इस तरीके का मॉडिफ़िकेशन आपको भी करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपनी गाड़ी का फोटो डाल के कोटेशन ले सकते हैं और आपको भी अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाना है तो बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस तरीके का मॉडिफ़िकेशन इससे बेटर और मॉडिफ़िकेशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे तो भाई वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा इस गाड़ी के अंदर और क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा तो भाई मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद जय भारत